सारे बाप में देखे ये हड़ू है दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे भाई। आज हम नाश्ता जो है नीचे बैठकर करेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को ऊपर का व्यू दिखाया है और ऊपर से रूम दिखाया है। ये इनका एंट्री एग्जिट गेट था। अब हमारा रूम था थर्ड फ्लोर पे, लेकिन अब हम नीचे बेसमेंट में जा रहे हैं जहाँ इन्होंने सिटिंग एरिया और गार्डन बनाया हुआ है। तो वहाँ रिवर के साइड पर इन्होंने बालकनी टाइप बनाई हुई है वहाँ पर, और गार्डन है, बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए। और यहाँ देखें अभी भी काम चल रहा है। इनकी होटल की सबसे बेस्ट बात यह है कि सर्विस भी अच्छी है और मेंटेनेंस भी बहुत हाई है। बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, ख़ास तौर पे कपल्स और फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। और यहाँ का आप माहौल चेक करें, सुबह का टाइम है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है। एक तरफ गार्डन है, एक तरफ दरिया है, बिल्कुल फ्रेश माहौल है, फ्रेश ऑक्सीजन है, सारे गार्डन भी फुल्ली मेंटेन्ड है, बच्चों के लिए झूले हैं। और यहाँ से आप नीचे उतर के अंदर गार्डन में जा सकते हैं। और सामने जो ये है ऊपर देख रहे हैं, ये रोड जा रहा है जो हमने लास्ट वीडियो में ऊपर से आपको दिखाया था, और वो ऊपर हमारा रूम था, ठीक है। आज हमें थोड़े लेट हो गए, आज जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वक्त धूप निकली हुई है, 10-11 बज चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हम मालम जब्बा गए थे, वहाँ पे 4 घंटा आने का, 4 घंटा जाने का, एक तो रास्ता बहुत लंबा था, थका देने वाला, रोड भी बहुत ख़राब था, फिर वहाँ स्की वगैरह करी तो बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। तो आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं, और आज का प्लान ये है कि हम जाएंगे मदीन बहरीन, और यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा। और उसके बाद बीच में, उससे पहले हम बीच में आराम बाग पे रुकेंगे नमाज के लिए, जहर के लिए। और भाई जब तक हम नाश्ता कर रहे हैं, तब तक आप दरिया का व्यू चेक करें। और जनाब भाई, हम नाश्ता करके निकल चुके हैं। ये दरिया सवात हमारे साथ साथ चल रहा है, और ये हमारा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगा। ये बहुत आगे तक दरिया सवात आपको हर जगह मिलेगा। और दूसरी बात मुझे ये बतानी थी आप लोगों को कि व्यूज़ आप लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, हर तरह का समझ लें व्यू आपको मिलेगा। कल हम जहाँ थे वहाँ सारी ग्रीनरी थी मालम जब्बा से पहले, उसके बाद जो है फिर वो बाग, ये जो आ गए थे नाशपाती और आड़ू के बाग वगैरह, उसके बाद फिर सारी बर्फ़ ही बर्फ़ थी, ठीक है। यहाँ के व्यूज़ जो हैं बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम किसी और जो है ना दुनिया में आ गए। यहाँ का रोड भी बिल्कुल साफ़ और स्मूथ रोड है, यहाँ आपको गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, और आप लोग नोटिस कर रहे होंगे यहाँ सारी सफ़ेद गाड़ियाँ। अच्छा, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़ी पहाड़ है ऊपर तक, ये कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हुआ, सिर्फ शेडो आ रहा है, लेकिन ये जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ना, वो पहाड़ है। और ये हम पहुँच चुके हैं आराम बाग, ठीक है। यहाँ हमारे ड्राइवर ने कहा था कि भाई आप लोग नमाज़ पढ़ लें और मैं यहाँ पर खाना खाऊंगा, और मैं यहाँ का आपको विज़िट कराती हूँ प्रॉपर। ये भी बहुत बेस्ट जगह है, यहाँ बहुत टूरिस्ट आए हैं, यहाँ का भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ रूम्स भी है अगर कोई स्टे करना चाहे। और वही नीचे दरिया सवात है, पूरी नहर जारी है और दरिया है सॉरी, तो बहुत ही आला किस्म के व्यूज़ हैं। और इस पूरे
रूट में ट्रैवल में आपको जो है ना दरिया की जो साउंड है वो हर जगह आपको मिलेगी, बिल्कुल ट्रैफिक का आपको शोर कम सुनाई देगा, दरिया आपके साथ साथ जा रहा होता है तो दरिया की वजह से जो काल्मनेस है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है, यहाँ पे बहुत काम, यहाँ का क्या कहना चाहिए एनवायरनमेंट है, कानों को सुकून मिलता है यहाँ पे। तो चलें भाई नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत नीचे पत्थर वगैरह हैं और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे सांप भी निकल आते हैं, आप लोग देख कर जाइएगा। यहाँ ये सामने फैमिली हॉल बना हुआ है, ये जो ऊपर जो है पुल है यहाँ से फ्लाईओवर से ही हम अभी हो के अंदर आए हैं और नीचे पूरे फैमिली हॉल्स बने हुए हैं, आराम से आप लोग बैठें, रेस्ट करें, लेटें, लेडीज़ के लिए यहाँ पे नमाज की जगह भी है। अच्छा ये बहुत डिफरेंट है मालम जब्बा से, वहाँ पे वॉशरूम्स का भी बड़ा मसला था, वहाँ हमें ज़्यादा चीज़ें मिली भी नहीं ना रेस्टोरेंट या बीच में कोई ऐसे पॉइंट स्टे करने के लिए, एक और रोड भी बहुत ख़राब था। ये बहुत जो है ना ज़बरदस्त जगह है, तो हमने सोचा अभी हमें तो भूख नहीं लग रही, हम फुल नाश्ता करके आए हुए, तो हम यहाँ ज़ोहर पढ़ेंगे फिर हम जाएंगे मदीन बहरीन। अच्छा सीरीज़ मेरी मैं चल रही थी डे वाइज, डे वन, डे टू, डे थ्री के हिसाब से, लेकिन ये कि अब जो है मैंने ये सोचा है कि हर स्पॉट के हिसाब से छोटी छोटी वीडियोज़ जो है ना डिटेल वीडियोज़ में बनाऊँगी। ये हम पूरा नीचे उतर के आएंगे, आए हैं यहाँ पे, भाई उन्होंने कहा है कि सांप भी यहाँ पे अजीब सी पतली पतली सांप जैसी छुपकलियाँ भी हमें दिख रही थी और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम जो ये ऊपर वाला बड़ा वाला स्टोन है उस पर चढ़ के हमने फोटो शूट किया था, सॉरी टंग ट्विस्ट हो गया। तो बस ये यहाँ का दिखाना था, बहुत अच्छा स्पॉट है, अगर आप लोग मदीन बहरीन जा रहे हैं एक दिन में आपके तीन चीज़ें कवर हो जाएंगी, सुबह जल्दी निकलें और आराम से यहाँ स्टे करें, बच्चे भी आराम से खेल सकते हैं, लेकिन आप लोग नीचे नहीं जा सकते, ये बहुत डीप पानी है। उन्होंने भी हमें कहा था कि भाई यहाँ ज़्यादा दूर ही रहिएगा, ज़्यादा करीब नहीं जाइएगा, स्लिपरी पत्थर हैं और पानी बहुत डीप है यहाँ का, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको हम मिलेंगे मदीन और बहरीन की वीडियोज़ में, और आप जब तक व्यूज़ चेक करें, यहाँ का बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो है। और ये देखें फैमिली के लिए उन्होंने ख़ास लिखा हुआ है कि यहाँ गैर मर्दों का दाखिला मना है, तो भाई ये एक पर्दे के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, प्राइवेसी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। बंदा थका हुआ आता है, पूरा पूरा दिन ट्रैवल कर रहे होते हैं, आराम से लेटो बैठो, कोई वो नहीं है। ये देखें हम ये पहले नीचे वहाँ थे, अब ये हम ऊपर की तरफ कहीं हैं, वहाँ से मैंने वो की व्यूज़ लिए हैं। आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे तो उसके व्यूज़ में और यहाँ के व्यूज़ में बहुत फ़र्क है, बिल्कुल ऐसा लगता है हम किसी और ही मतलब उसमें आ गए। अच्छा ये भाई जो है यहाँ पे पौधे लगा रहे थे यहाँ के स्ट्रॉबेरी के ना, तो ये जो है ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है और इसके उन्होंने कहा कि ये अभी फूल आए हैं, ये मैं लगा दूँगा तो ये थोड़े दिन बाद इसमें से, इसी फूल में से स्ट्रॉबेरी निकलेगी। और भाई यहाँ फल फ्रूट हर चीज़ ही माशाल्लाह से फ्रेश है। अच्छा हमें रास्ते में एक जो है ये देखें, ये जो है ना कराकोरम हाईवेज और ये कलाम की तरफ का कुछ बता रहे थे ड्राइवर भाई, और हमें रास्ते में एक छोटी सी नहर भी आबशार मिल गई, और अभी तक की ये सिर्फ पहली आबशार है, अब देखो आगे कहाँ मिलती है। इन अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मदीन बहरीन की इंशाल्लाह सैर कराएंगे। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।